हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। गाइस, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दें। गाइस, आप लोग यहां पर आज पढ़ेंगे CTET का जो आपका अभी चल रहा है इसमें सीरीज, उसकी सीरीज में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2016 का पेपर है ये फेब्रवरी का, ओके। तो इसमें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे CTP के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो कि 2016 में पूछे गए हैं, और आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। और गाइस, जो आपका इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये हैं आपके फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक का जो पेपर हुआ था उसके लिए, अर्थात पेपर 1 के ये क्वेश्चंस होंगे, ओके। चलिए गाइस, हम आप स्टार्ट करते हैं जो हमारे 15 क्वेश्चंस हैं उनको, ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दें कि जो हमारी अगर कक्षाएं हमारी बहुभाषी होती हैं तो वो शिक्षक के द्वारा कोई समस्या उत्पन्न नहीं करती, बाधा उत्पन्न नहीं होती, परेशानी नहीं, वो उसके लिए संसाधन के रूप में उत्पन्न होती हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, बहुभाषी अर्थात मल्टी लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा संस्कृत बोलना जानता है ज़्यादा, एक उर्दू, एक हिंदी, मतलब जो अपने अपने क्षेत्र से आते हैं वो अपनी अपनी मातृभाषा बोलते हैं, ओके। और इसे शिक्षक द्वारा रिक्त स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब अगर हम शिक्षक बनने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारी कक्षा में बहुभाषी बच्चे हैं तो हम उन्हें किस रूप में देखेंगे, समस्या के रूप में, बाधा के रूप में, संसाधन के रूप में, परेशानी के रूप में। देखिए, हम उसे देखेंगे संसाधन के रूप में, क्योंकि ये हमारे लिए एक संसाधन का काम करती है, एक भाषा से जो दूसरे बच्चे को नहीं आती वो और बच्चे भी उस भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ, अब आपको बताना है इनमें से क्या सही है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, ठीक है। इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्ह करने के अच्छे अवसर दें। देखिए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा है कि जो शिक्षार्थी हैं अगर वो कोई गलती या त्रुटि कर देता है तो उस टाइम पर आपको क्या समझना चाहिए, किस रूप में उसको देखनी चाहिए। ये ऑप्शन नंबर होगा बी, इसे देखना चाहिए आपको चिंतन को समझने के अवसर के रूप में, ठीक है। बच्चा किस तरीके से गलतियां कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो मतलब उसका जो थिंकिंग है वो किस तरीके से चल रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, तो इन चारों में से किसने कहा था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो ये कहा था आपका पियाजे ने। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया, इन्होंने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च करके हर एक स्टेजेस को बताया है, ठीक है। देखिए, अब फोर्थ है इसमें, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ आपको इन चारों में से बताना है। बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ठीक है। तो बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सिर्फ बच्चों पर ही उनकी उनकी भागीदारी होगी, मतलब वो एक्टिव रहेंगे, उनका जो कहना है, जो सुनना है वो सुना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, किस तरीके से, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है तो उसको टीचर किस तरीके से उसको संसाधित करेगा। ऑप्शन नंबर ए है, कोई भी सहायता ना देकर, देखिए तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि जो भी नेगेटिव पॉइंट आता है उसको आप पहले ही गलत कर दें, उस पर एक भाषण देकर, भाई भाषण देकर भी वो क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी को लेक्चर दे दें दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर ले ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग हो गया। कि कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ये थोड़ा सही हो सकता है, इसको अभी देखते हैं, पहले आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है
प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। देखिए ये चीज भी गलत हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें प्रतियोगिता होगी, ठीक बात है, लेकिन जो सबसे पहले कार्य कर लेगा उसको पुरस्कार देकर कोई सहायता तो नहीं कर पा रहा है वो। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों में वो कार्य को बांट देगा और उसको निर्देश लिख कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ठीक है, जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया था उसी रूप में वे उसे प्रस्तुत कर दें, तो ये क्या होगा आपका? देखिए, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को चौकते उत्पन्न उत्पादित नहीं करते। अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा है, क्योंकि शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो इसका नंबर होगा बी, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जोकतो पुनरुत्पादित नहीं करते। मतलब अगर मैं आपको आज कुछ सिखाती हूँ तो आप उसे मतलब जोकतो वैसा ही उसको प्रस्तुत कर दें, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, ये समस्यात्मक है। ठीक है, पॉसिबल होने के साथ साथ समस्या उसमें उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बताइए कैसा होता है। समूह में किसी समस्या पर चर्चा कर रहा है विद्यार्थी, तो कैसा होगा उसका सीखने का वक्र? मतलब स्थिर रहेगा, मतलब कंटिन्यू जैसा था वैसे ही रहेगा, अवनत होगा, समान रहेगा, बेहतर होता है, बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, सी देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक रिक्त स्थान नमूने का अनुगमन करती है। कौन से नमूने का अनुगमन करती है? ये करती है क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन। नेक्स्ट देख लेते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? देखिए, आपसे विकास मतलब डेवलपमेंट के दो तीन क्वेश्चन पूछ ले गए हैं, ठीक है, 2016 के पेपर में। तो देखिए, इसके ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? क्यों होती है? जन्मजात विशेषताओं के कारण, बी ऑप्शन है, वंशानुक्रम वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण। देखिए, अगर बच्चा हमारा अलग है, ठीक है, जैसे कि हमें देखने को मिलती है विभिन्नताएं, लेकिन वो सिर्फ एक वजह से नहीं हो सकती, मतलब कि वातावरण के प्रभाव के कारण कह दें हम, या जन्मजात विशेषता के कारण कह दें, या उसके माता पिता के जीन्स के कारण कह दें। जो भिन्नताएं होती हैं वो वंशानुक्रम वातावरण दोनों के बीच की जो अनुन्य क्रिया होती है उसके कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सामाजिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार रिक्त स्थान भूमिका निभाता है। सामाजिकरण जो होता है, ठीक है, वो हमारा परिवार से, विद्यालय से, समाज से, और आपका आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनसे, मतलब बातें करने से, ये सब सामाजिकरण ही तो है। तो अब क्या होता है, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार किस प्रकार की भूमिका निभाता है? वो निभाता है मुख्य भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो देखिए क्यों निभाता है, हम परिवार में रहते हैं, परिवार में जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य को पसंद नहीं है मांस मीट खाना, तो हमारे मन में भी वही आएगा कि नहीं, ये गलत है, हम नहीं खाएंगे। लेकिन अगर अगर वही बच्चा उस परिवार में भेज दिया जाए जहाँ मांस मीट को अच्छा माना जाता है, तो वो बच्चा खाएगा। तो यही हमारा सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, बातचीत करना, जैसे कि अगर हम बोल दें कि भाई हमारी फैमिली को नीचे लोगों से बोलना पसंद नहीं है, तो हम लोगों के मन में आएगा ठीक है नीचे लोगों से नहीं बोलना है, जन्मजात सॉरी आपकी क्या होती है वो कास्टिज्म की भावना हमारे मन में आ जाएगी। लेकिन अगर हम उसी फैमिली में चले जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटी कास्ट है बड़ी कास्ट है, तो हमारे अंदर सामाजिकरण की भावना बहुत अच्छे से उत्पन्न होती रहेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही जोड़ा है। देखिए औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना का परक खेल के लिए तो नहीं होगा, इसमें और ऑप्शन देखते हैं। शेषावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, जो बी मतलब शेषावस्था, भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, तर्क का अनुप्रयोग तो करता ही नहीं शेषावस्था बच्चा, भी तो बहुत छोटा है। पूर्ण सक्रियात्मक बच्चा निगमात्मक विचार कैसे कर लेगा, मूर्त सक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा क्या होता है, ठीक है, जो हमारा मूर्त सक्रियात्मक बच्चा होगा वो साधारण वर्गीकरण करने योग्य जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह कौन सा समझ को प्रदर्शित कर रही है बताइए। वो कह रही है अपने अनुसार कि जल्दी सूख जाते हैं, तो क्या कर रही है, वो कह रही है कारण है और प्रभाव भी है। तो बी अहम केंद्रित तो है ही नहीं, चिंतन प्रतीकात्मक भी नहीं है, विपरीत, वो सिर्फ कह रही है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो कारण और प्रभाव है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। पियाजे, देखिए पियाजे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि भाई दो तीन क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे जरूर। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा में भिन्न होता है बजाय किसके, आपको बताना है। देखिए जो पियाजे थे उन्होंने कहा था कि चिंतन उनका वयस्कों से भिन्न तो होता है, लेकिन किस चीज में, किस तरीके से भिन्न होता है, वो होता है आपका देखिए प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, तो वो सोचते अलग प्रकार से हैं, बच्चे जो होते हैं वो वयस्क से सोचते अलग प्रकार से हैं, लेकिन जो मात्रा है वो सेम है एक तरीके से ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो आपके लास्ट 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। दिस इज, निम्नलिखित में से कौन से कदाचित सहायता का उदाहरण है बताना है आपको। देखिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, भाई आपने भाषण दे दिया लेकिन आधारभूत सहायता मिली उसको नहीं मिली, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ठीक है, आपने बच्चे को ये नहीं कहा कि आप प्रश्न पूछो, आपने उसके अंदर ये भावना उत्पन्न ही नहीं करी कि वो प्रश्न पूछे, उसके अंदर की जो जिज्ञासा है उसको बाहर निकाले और आप उसके बिना ही उसको स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्या ये सही है, उसको क्या सहायता मिलेगी, नहीं मिलेगी। मूर्त और अमूर्त मतलब आपका एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट दोनों प्रकार के उपहार देना, बिल्कुल नहीं भाई। अच्छा डी की अगर हम बात करें, अनुबोधन, अनुबोधन आता है इसमें, और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, आप क्या कर रहे हैं, उसको अनुबोधन दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछ रहे हैं, ये क्या है, बिल्कुल सही तरीका है सहायता के लिए। ठीक है, तो अधरबु सहायता के उदाहरण क्या है आपके, अनुबोधन, संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो ये है आपके इस बार के 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस। अब हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम रही है आप लोग हमें कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस शेयर करें, हम लोगों को आपके शेयर की, आपके साथ की और आपके छोटे से प्यारे से मोटिवेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और करते रहिए सीटेट की प्रिपरेशन। बाय बाय, थैंक यू।